16 गेंदों पर तूफानी 82 रन बना डाला। सूर्यकुमार यादव ने पूरी लंका को हिला डाला। पूछने लगे लोग कौन से ग्रह से आए हो भाई सूर्या। चेहरे पर मुस्कान, तिरंगे को चूमा, देखा आसमान, तीसरे T20 में आया सूर्या का तूफान। शानदार, जबरदस्त, जानदार, सदाबहार अपना सूर्यकुमार। जो विराट राहुल पंत नहीं कर पाए वो सूर्यकुमार यादव ने कर दिखाया। मात्र 43 पारियों में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय T20 शतक लगाया। जी उठकर खड़े हो जाइए और इस खिलाड़ी को सलाम कीजिए। गनीमत हो कि ये खिलाड़ी 2019 या 20 में नहीं आया, नहीं तो अभी तक रोहित, विराट समेत KL राहुल की भी छुट्टी कर देता। मात्र 43 T20 पारियों में सूर्यकुमार यादव ने तीसरा शतक लगा दिया है। ऐसा करने वाले वो भारत के पहले खिलाड़ी हैं, जिस मैच में न हार्दिक पांड्या चल पाए, न ईशान किशन चल पाए, न दीपक हुड्डा के बैट से रन निकले, न हार्दिक पांड्या कुछ कर पाए, उसी मैच में सूर्यकुमार यादव ने अकेले ही 112 रन ठोक डाले। जो घमंडी श्रीलंकाई दूसरा T20 जीतने के बाद बहुत ज्यादा उछल रहे थे, उन्हें लग रहा था तीसरा T20 भी दूसरे T20 की तरह जीत लेंगे, उनको लग रहा था पिछले मैच में स्काई को आउट कर लिया तो तीसरे मैच में भी आउट कर लेंगे, उन सबको टीम इंडिया के सूर्या दादा ने मैदान के चारों तरफ दौड़ा दौड़ा के मारा। और श्रीलंका जो अब बात बात पर नागिन का इशारा करती है, उसके हर गेंदबाज को सूर्य कुमार यादव ने नागिन डांस कराया। मात्र 51 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव ने 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 112 रन ठोक डाले और T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का अपना तीसरा शतक ठोक दिया। इससे पहले सूर्य कुमार यादव इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शतक लगा चुके हैं। टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा T20 सेंचुरीज के मामले में अब सूर्य कुमार यादव दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इस मामले में नंबर वन पर रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 60 शतक लगाए हैं। दूसरे नंबर पर सूर्या हैं, जिन्होंने 3 अंतर्राष्ट्रीय शतक लगा दिए हैं। बड़ी बात यह भी है कि सूर्य कुमार यादव ने वो कर दिखाया है जो T20 में कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया है, यानी कि 1500 T20 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। इसके अलावा T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर में 1500 रन बनाने के मामले में सबसे तेज, यानी कि 150 से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ ऐसा करने वाले सूर्य कुमार यादव इकलौते बल्लेबाज हैं। सूर्या जिस समय बल्लेबाजी के लिए आए थे, टीम इंडिया का स्कोर 50 के आसपास 2 विकेट था। हालांकि शुभमन गिल बहुत धीमा खेल रहे थे। अगर सूर्य कुमार यादव पहली ही गेंद से चौके छक्के लगाना नहीं शुरू करते तो शायद टीम इंडिया पर प्रेशर पड़ जाता। लेकिन मात्र 45 गेंदों पर शतक ठोककर सूर्य कुमार यादव ने ये बता दिया है कि साल 2023 में भी वो उसी तरीके से बल्लेबाजी करेंगे जिस तरीके से साल 2022 में की थी। साल 2022 पूरी तरीके से सूर्य कुमार यादव के नाम रहा था। उन्होंने पूरे साल में 1200 से ज्यादा रन बनाए थे और T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में ICC की रैंकिंग में भी सूर्य कुमार यादव नंबर वन पर थे। इस साल भी वो नंबर वन पर हैं और अब तो सूर्य कुमार यादव के रेटिंग पॉइंट्स और ज्यादा बढ़ गए हैं, यानी उनके ताज के आसपास कोई नहीं है। साल 2023 की इससे अच्छी शुरुआत हो ही नहीं सकती थी, यानी सूर्य कुमार यादव ने आज एक पारी से एक साथ 2 से 3 रिकॉर्ड बना दिए हैं। और सोचिए, बड़ी बात यह है कि साल 2021 में सूर्य कुमार यादव का डेब्यू हुआ था और साल 2021 के डेब्यू के 1.5 साल के अंदर ही वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर वन बल्लेबाज बन गए थे। जिस बल्लेबाज के अंदर इतनी कुव्वत, इतना टैलेंट हो, उसको कम से कम 4 से 5 साल पहले ही खिला लेना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो शायद इंडिया 2019 का वर्ल्ड कप भी जीत जाती और 2021 का वर्ल्ड कप भी जीत जाती। लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब उम्मीद यही है कि सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगला विश्व कप सूर्या टीम इंडिया को ही जिताएंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए, और सूर्या की बल्लेबाजी श्रीलंका के खिलाफ कैसी लगी ये कमेंट करके अपनी राय दीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।